हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रखने वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही दो इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके सामने लेके आया हूं, तो मुझे लगा कि क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनता है। वेल, सबसे पहला न्यूज है व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर, जो एक बहुत ही बड़ा इश्यू बन चुका है इंडिया में। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज, यस ऑल ऑफ यू व्हाट्सएप यूजर्स, जिन्होंने बताया कि भाई हम लोग व्हाट्सएप से सिग्नल की तरफ मूव कर रहे हैं, व्हाट्सएप से टेलीग्राम की तरफ मूव कर रहे हैं, और आप लोगों के कारण बेसिकली व्हाट्सएप एक हिसाब से हार चुका है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप ने जो पॉलिसी अनाउंस की थी एक्सेप्ट यूरोप, उन्होंने बताया था कि भाई ये पॉलिसी एप्लीकेबल हो जाएगी फरवरी 8 से, और उसके बाद अब हुआ क्या, व्हाट्सएप हार चुका है। उन्होंने बोला कि हम अब 3 महीने का डिले कर रहे हैं इस प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर, ताकि लोगों को और समझ में आए कि हम बोलना क्या चाहते थे। बेसिकली और कुछ नहीं, पेपर में एड्स दिखाएंगे, ऑनलाइन एड्स दिखाएंगे, हर जगह अपडेट्स भेजते रहेंगे कि भाई हम लोग क्या सोच रहे थे, हम बोलना क्या चाहते थे और आप क्या समझे हो। बस सिंपल तरीके में हम चोरी तो कर रहे थे आपके डेटा की, बट देन इन ए डिफरेंट वे हम आपको बताएंगे कि भाई हम वो चोरी नहीं कर रहे थे, ये हमारा बिजनेस मॉडल ही है। ऑन ए सीरियस नोट, मतलब ये ही चीज़ के ऊपर अब वो फोकस करेंगे। और थैंक्स टू यू गाइज, सब लोगों ने मतलब अपोज किया, काफ़ी लोगों ने अपोज किया। हमने भी बोला था कि भाई अगर शिफ्ट करना है तो टेलीग्राम शिफ्ट कर लो, काफ़ी लोग सिग्नल की तरफ भी शिफ्ट हो रहे थे। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि भाई हाइक क्यों नहीं रिकमेंड कर रहे हो, देख लो मैंने परसों ट्वीट किया था कि हाइक बंद हो रहा है, बंद हो चुका है। तो ऐसे चीज़ें भी हो रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पर फाइनली हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि व्हाट्सएप ने अनाउंस कर दिया है कि वो डिले कर रहा है अपने इस प्राइवेसी पॉलिसी को। और उन्होंने बोला है कि वी हैव हर्ड फ्रॉम सो मेनी पीपल हाउ मच कंफ्यूजन देयर इज अराउंड अवर रीसेंट अपडेट, एंड देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग कॉजिंग कंसर्न, एंड वी वांट टू हेल्प एवरीवन अंडरस्टैंड अवर प्रिंसिपल्स एंड द फैक्ट्स। अगेन, ये चीज इन्होंने अपने नए खुद के ही ब्लॉग के ऊपर अनाउंस की है कि भाई काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि हम लोग क्या बोलना चाहते थे, जिसके लिए हमें लगा कि भाई एक प्रॉपर अपडेट होना चाहिए, और उसी के साथ साथ 3 महीने का हम और एक डिले ले रहे हैं। मतलब 3 महीने के बाद तो उनको स्टैंड लेना ही पड़ेगा, और तब तक अगर हम लोग सब लोग मिलकर शिफ्ट कर देंगे किसी और प्लेटफॉर्म में, तो व्हाट्सएप खुद सोचेगा कि भाई इट्स बेटर टू नॉट टेक द डेटा एंड देन विल बी बैक टू अवर अगेन रेगुलर व्हाट्सएप यूज। ये लोग फिलहाल के लिए अपना डेट आगे बढ़ा रहे हैं, और उन्होंने बोला कि आप लोगों को मतलब यहाँ पर एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, और आपके अकाउंट डिलीट या फिर सस्पेंड नहीं होंगे फरवरी 8 को। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। आप लोग बताइए कि आप कौन से प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, आपका क्या सोचना है व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर, नीचे कॉमेंट कर दीजिए। अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट न्यूज की, और ये है Xiaomi को लेकर। वेल, Xiaomi को US में ब्लैकलिस्ट कर दिया है। नाउ दैट इज अ कंप्लीट सरप्राइज, क्योंकि पिछले मतलब 1-1.5 साल से हम लोग सुन रहे थे कि Huawei को बैन कर दिया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया है US ने, और ट्रंप गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि भाई US में Huawei बिल्कुल कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, मतलब अपने स्मार्टफोन नहीं बेच सकता है, उसके साथ कोई कंपनी टाइप नहीं कर सकती है, जैसे कि एंड्रॉयड अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी उन्हें नहीं दे सकता है, जिसके कारण हम लोगों ने इंडिया में भी देखा कि मतलब Huawei के जो ऑनर के जो फोन्स थे उसमें भी हमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा था एंड्रॉयड का, एंड दैट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। लेकिन अभी रिसेंटली ऑनर को तो एक और कंपनी ने खरीद लिया है, जिसके कारण ऑनर फिर से वापस अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स लेके आ सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं Xiaomi की, तो ये कंप्लीटली सरप्राइजिंग मोमेंट थी, मतलब ऑल ऑफ ए सडन बैन कर दिया, एंड दैट इज कंप्लीटली सरप्राइजिंग, क्योंकि यहां पर Xiaomi एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है US में, और इनफैक्ट नंबर 3 आ चुकी है ये 3rd quarter में, और उन्होंने Apple को भी बीट कर दिया था अकॉर्डिंग टू सम कंपनी के रिपोर्ट्स, बट देन आई डोंट बिलीव मेनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स, बट देन अल्टीमेटली काफ़ी अच्छी सेल्स हो रही थी। लेकिन गवर्नमेंट का दावा यह है कि इनका चाइना मिलिट्री के साथ कुछ गठबंधन है, और कुछ तो अंदर से सेटिंग है, और बेसिकली मतलब US की काफ़ी कंपनीज अभी चाइनीज कंपनीज के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही हैं, या ट्रस्ट उनका कम होते जा रहा है, जिसके बाद इनके Xiaomi के खुद के शेयर्स भी नीचे गिर गए 10%, तो सीधा एक ही दिन में गिर गए, एंड आई थिंक दैट्स अ लोअर सर्किट, उसे नीचे एक साथ नहीं गिर सकते हैं। बट देन उसी के साथ साथ यहाँ पर Huawei तो वैसे ही निकल चुका है, यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब लिटरली चाइनीज ब्रांड्स के ऊपर मतलब बैन के ऊपर लेकर जा रहा है। अभी रिसेंटली कुछ और 9 apps के ऊपर भी उन्होंने प्लान किया था कि उनको बैन कर देंगे, तो आगे जाके मतलब ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स निकल के आ रहे हैं, बट देन हो सकता है ये सब कुछ पलट जाए। एक बार जो बिडेन आ जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो जो जो ट्रंप ने किया है, हो सकता है सब कुछ हो जाएगा रिवर्स, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप Xiaomi से हो तो फिर तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, Huawei भी अपना बिजनेस वापस ला सकता है, बट दैट्स अगेन अ होप,
एज ऑफ नाउ देयर इज नो कंफर्मेशन, एंड आई वुड बी रियली हैप्पी कि अगर इंडियन गवर्नमेंट भी इसी तरह सारे कंपनीज के डेटा को चेक करे, वो क्या क्या किसके साथ इनके टाइप्स है, किस तरह से ये अपना बैकग्राउंड डेटा को, मतलब हमारा जो यूजर डेटा है वो वापस अपने चाइनीज सर्वर में लेके जा रहे हैं, तो क्या क्या डेटा लेके जा रहे हैं, ये सब चीज़ों का स्क्रूटनी होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इनको चेक करना चाहिए कि भाई क्या ये कंपनी क्लीन है, क्या इनके मतलब टाइप्स कौन से कंपनीज के साथ है, क्या गवर्नमेंट के साथ इनके टाइप्स है, तो इन सब को इन्हें भी ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। अगर हमारे देश में आ रहे हैं सामान बेच रहे हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, मतलब ठीक है हम लोग भी अपना सामान दूसरे कंट्रीज में बेचते हैं, बट देन अगर वो हमारे डेटा को लेके जा रहे हैं और उससे मिसयूज कर रहे हैं, उससे कुछ अलग तरीके से यूज़ किया जा रहा है, देन दैट इज नॉट समथिंग विच शुड बी एक्सेप्टेड, एंड आई रियली विश दैट इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क्स ऑन द सेम एंड ब्रिंग्स आउट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रिक्ट लॉज लाइक द यूएसए, एंड यू नो गिव्स देम टाइम ऑब्वियसली, और उसके बाद उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दे, जैसे पबजी को उन्होंने किया था, बट देन वो तो ऑल ऑफ ए सडन कर दिया था, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था, बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट सारे कंपनीज के ऊपर भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए। अगेन ये है शॉमी के बारे में अपडेट। अगेन यूएस की एंटिटी लिस्ट में अभी तक शॉमी ऐड नहीं हुआ, जिस हिसाब से हुआ था, जिसमें हुआवे को तो बिल्कुल किसी के साथ काम करना अलाउड नहीं था फिलहाल के लिए, मतलब हुआवे और डीजीआई का मतलब वही हाल है, लेकिन शॉमी अभी अपना यूएस टेक्नोलॉजी जो है वो लेके आ सकता है बिना कोई लाइसेंस के यूएस में, तो अपना जो भी टेक्नोलॉजी है वो यूएस लेके जाएगा, अपना माल बेचेगा, बट देन फिलहाल के लिए दे आर काइंड ऑफ गेटिंग ब्लैकलिस्टेड। सो दैट इज वेरी बिग इंपॉर्टेंट अपडेट ऑफ दिस वीक। अगेन ये थे दो इंपॉर्टेंट न्यूज, तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं। आप क्या सोचते हैं इन सब डेटा पॉलिसीज के बारे में, प्राइवेसी पॉलिसीज के बारे में, और क्या आप सोचते हो कि हाँ गवर्नमेंट को इन सब कंपनीज के डेटा के ऊपर मतलब एक टीम बिठानी चाहिए, सारे कंपनीज जो हार्डवेयर बेचते हैं उनको अलग से स्क्रूटनी करो, सॉफ्टवेयर कंपनीज है उनको अलग से स्क्रूटनी करो, और क्या आप मानते हो कि इन सब कंपनीज के डेटा को भी चेक करना चाहिए, उनके एम्प्लॉयज़ को, वो किसके साथ ट्राइब्स है, सब कुछ चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नीचे कमेंट करके बता दीजिए। मैं हूं अमित, मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।